हेलो माय शिमरिंग स्टार्स सो टुडे आई शौर्य ग्रोविर वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एन वाला सो यस माय डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर फाइव बेस्ड ऑन द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरिन्स अंडर अव बैच संकल्प बैच तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपने प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है और आपके सारे जो है क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ रहे हैं तो अब लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ छोटी सी बात करना चाहूंगी मैंने आप सबके कमेंट्स देखे थे और बच्चों ने ये कहा था कि मैम मतलब हर एक स्टूडेंट की uh, के मन में यही आ रहा था सिलेबस कब कंप्लीट होगा जल्दी करवा दीजिए लेक्चर्स कंप्लीट करवा दीजिए फटाफट से करवा दो टाइम नहीं है और कई बच्चों के uh, कमेंट्स ये भी आ रहे थे जब उन्होंने मकानिज़म किया या रिएक्शन वाला टॉपिक हमारा स्टडी किया जब हमने मेथ्ड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे कि मैम थोड़ा स्लो चलो रिएक्शन के टाइम पर हमें प्रॉब्लम आती है धीरे 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 करवाओ या कई बच्चे ये भी कहते हैं लेक्चर की ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाए तो तो उन सबको मैं इतना कहना पहली बात सब अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा अपने टीचर्स पे भरोसा रखिए वो आपको लेट डाउन नहीं करेंगे आपका ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो अब मेरा ये जो सब अच्छा होगा कहने का मतलब क्या है भी जो आप सोच रहे हो क्या वही होगा देखो सब अच्छा होगा का मतलब ये नहीं होता कि जो हम सोच रहे हैं वो हो जाएगा सब अच्छा होने का मतलब ये भी हो सकता है भी जो मैंने नहीं सोचा है वह भी सोचा जा सकता है सो बी पॉसिब पी पॉजिटिव इन ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड इन ऑल द कंडीशन या आपके कोई भी सर्कम स्टांसेज है आपने हमेशा उसमें पॉजिटिव रहना है चाहे आपको लग रहा है भी नहीं यार अब नहीं हो पाएगा या आपको लगता है बहुत आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो दोनों सिचुएशन को आपको बैलेंस करके चलना है और ये सोचना है भी अच्छा होगा ये आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है ठीक है तो अगर आपको लग रहा है स्पीड ज़्यादा है तो आपका काम क्या होना चाहिए आपको पिछले वाला जितना करवाया गया अच्छे से उसको आपको रिवाइज

तो एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि आप अपना वो होमवर्क क्वेश्चन करेक्ट कर सकें और उसके बाद हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो जिस भी बच्चों ने ये लिखा था जिन्होंने आइडेंटिफाई किया भी नहीं ये गलत हुआ है उनके लिए वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आप बहुत अटेंटिवली क्लास को सुनते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं उसके अंदर और बताते हैं भी हाँ मैम एक बार दोबारा चेक करो क्या इसके अंदर कोई गलती नहीं लग रही है तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे करते हैं तो ऐसे ही अटेंशन के साथ पूरा अपना फोकस रखना है और काम करते चलना है ठीक है तो चलिए पहले उस क्वेश्चन को ही दोबारा से एक बार करते हैं ताकि जिन बच्चों को अभी भी उस क्वेश्चन को वो एज अ करेक्ट लेकर चल रहे हैं वो उसे सही कर लें ठीक है तो हमारा जो क्वेश्चन था वन सेकंड हाँ जी हमें आईयूपीएसी बताना था ऑफ CH3 CH CH CH3 C2H5 एंड सी टू एच फाइव यहाँ पर है ना हमें इसका आई यू पी एस सी नेम बताना है तो इस कंपाउंड में देखिए मैंने आपको तब भी कहा था इस सी टू एच फाइव को ओपन अप करके लिख लूँ उससे आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा तो जब हम इसको थोड़ा ओपन अप करके लिखेंगे क्या आएगा सी CH, एच CH, सी एच सी एच थ्री यहाँ देखिए इसको ओपन अप किया तो सी टू एच फाइव को हम सी एच टू सी एच थ्री भी तो लिख सकते हैं सिमिलरली यहाँ पर भी लगा हुआ है तो इसको भी हमने सी एच टू सी एच थ्री करके लिख दिया और यहाँ पर एक और सी एच थ्री भी है देखो मैंने सी टू एच फाइव को सी एच टू सी एच थ्री लिख दिया इसको जोड़ करके देखो सी टू एच फाइव हो गया ना एक ही बात है ना अब देखिए यहां पर जो मेन पेरेंट चेन बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी ठीक है तो यहाँ पर कितने कार्बन एटम हुए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स हुए तो ये फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन फिफ्थ कार्बन और सिक्सथ कार्बन हुआ अब हमारे आई रूल के अकॉर्डिंगली सेंटर मोस्ट पोजिशन पर स्टूडेंट्स आता है वर्ड रूट वर्ड रूट की राइट एंड साइड पर आता है प्राइमरी सफिक्स यानी कि वन डिग्री सफिक्स उसकी भी राइट एंड साइड पर क्या आता है सेकेंडरी सफिक्स आता है यानी कि टू डिग्री सफिक्स आता है वर्ड रूट की लेफ्ट एंड साइड पर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स या फिर वन डिग्री प्रीफिक्स और इसकी भी हमारे लेफ्ट एंड साइड पर आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स मेरा थोड़ा गला हल्का फुल्का सा खराब है जिसकी वजह से आवाज़ तो थोड़ी सी डल लग रही होगी बट एनर्जी पूरी की पूरी है ठीक है तो थोड़ा सा प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने आई यू पी एस सी करनी है तो सबसे पहले हमें वर्ड रूट लिखना है वर्ड रूट यानी कि मेन चेन जो बन रही है कितने कार्बन आइटम्स की बन रही है तो छह कार्बन आइटम्स के लिए वर्ड रूट हो जाता है हेक्स ठीक है अब हमारे पास आता है प्राइमरी सफिक्स यानी कि कार्बन कार्बन में किस प्रकार का बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो आप सभी कार्बन में कैसा देख सकते हो सिंगल बॉन्ड है तो क्या प्राइमरी सफिक्स का यूज़ किया जाएगा एन ए एन ई का इस्तेमाल किया जाएगा अच्छा क्या यहाँ पे कोई सेकेंडरी सफिक्स होगा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स किसी ना किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखा जाता है तो यहाँ सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा <laughs> म सॉरी ओके सो प्राइमरी प्रीफिक्स अब देखिए किस लिए यूज़ करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है भी आपकी जो कंपाउंड uh, आपको गिवन है क्या वो क्लोज चेन है या वो ओपन चेन है तो देखो अगर क्लोज चेन है तो साइक्लो का इस्तेमाल करेंगे अगर ओपन चेन है तो कुछ भी नहीं लेंगे मतलब कि यहाँ पर ये यह हमारा ओपन चेन है तो हमने कुछ यूज़ नहीं करना तो यहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब कुछ एक्स्ट्रा लगा होना तो यहाँ पर हमारे पास एक ये सी एच थ्री है एक ये सी एच थ्री है अब हम सी एच थ्री को क्या कहते हैं मिथाइल ग्रुप कहते हैं है ना किन किन कार्बन पे लगी है थर्ड पे लगी है फोर्थ पे लगी है तो मेंशन करना जरूरी है हम क्या लिखेंगे थ्री कॉमा फोर कॉमा क्यों लगाया दो नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमा आएगा नंबर और लेटर के बीच में डैश आएगा तो थ्री कॉमा फोर अब डैश लगेगा कितने मिथाइल हैं दो है तो डाई का इस्तेमाल करेंगे डी आई डाई अब क्या आएगा हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा है तो क्या आ जाएगा डाई मिथाइल हैगजेन क्या नाम हो जाएगा थ्री फोर डाई मिथाइल हैगजेन इसका नाम हो जाएगा तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिए ठीक है चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो क्विक रिकैप हम करने जा रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग अवर वेरी फर्स्ट सेगमेंट तो सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के अंदर बेसिकली क्या स्टडी किया था हमने फ्रॉम एल्केन्स स्टडी किया था है ना हमने इसको प्रिपेयर करना है फ्रॉम एल्केन्स अब इस पर कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई है मैकेनिज्म के दौरान भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म जो है वो प्लीज़ अच्छे से दोबारा से एक्सप्लेन कर दो तो मैं एक रिकैप आपको दे दूंगी आपको उससे क्लियर हो जाएगा पहली बात एल्केन से हमने बनाना है हेलो एल्केन एल्केन का मतलब क्या होगा आर एच होना आर का मतलब कार्बन ग्रुप होना देखो यहाँ मैं आर एच लिख सकती हूँ अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो देखो मिथेन को हम क्या लिखते हैं सी एच फोर लिखते हैं ना इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ सी एच थ्री एच बात तो एक ही है ना तो जितने भी कार्बन वाला ऐसा ग्रुप है मैंने इसको अगर आर से रिप्लेस कर दिया तो एक ही बात है ना अब जरूरी नहीं है आर का मतलब सी एच थ्री हो आर का मतलब सी एच थ्री सी एच टू भी हो सकता है आर का मतलब सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू भी हो सकता है कोई भी कार्बन की चेन को हमने आर लेट किया है ठीक है तो ये आर एच हमारा बेसिकली क्या है ये हमारा एल्केन है अब यहाँ पर जो हम सबसे पहले रिएक्शन करवाने जा रहे हैं दैट इज हैलोजिनेशन और हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है x2 की एडिशन होती है मतलब cl2 को ऐड करा रहे हो br2 को i2 को इनको ऐड करवा रहे हो ठीक है तो यहाँ क्या होगा एल्केन की रिएक्शन हम x2 के साथ कराएंगे हियर x2 कैन बी योर cl2 br2 i2 है ना अच्छा अब देखो जब ये रिएक्शन होती है तो ये एच नी की प्रेजेंस में होती है मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में होती है ध्यान दीजिएगा इस चीज पे बहुत फोकस कीजिएगा जब भी आपको किसी रिएक्शन में एच नी दिख जाए मतलब वहां पर किस तरह का मैकेजम फॉलो होने वाला है फ्री रेडिकल मकानिज्म फॉलो होने वाला है ये एक हिंट हमें दिया जाता है ठीक है अब देखिए ये जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा मैंने बोला फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सब्सटीट्यूट करना एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को सब्सटीट्यूट करके उसकी जगह ले लेगा ले तो ये यहां पर एक्सटू को ओपन अप करो एक्स एक्स हो गया ना एक एक्स क्या करेगा इस हाइड्रोजन को रिमूव कर जाएगा और उसकी जगह ले लेगा तभी मैंने हाइड्रोजन एक ऐसे शो करा ताकि वो रिमूव किया जा सके तो अब एक एक्स ने उसकी जगह ले ली क्या बना लिया आर एक्स बना लिया और जो एक्स निकला था वो सॉरी जो हाइड्रोजन निकला था वो दूसरे एक्स के साथ जुड़ करके एच एक्स बना देगा तो ये हमारा यहाँ से क्या मिल गया हमें हेलो एल्केन हेलो मतलब हमारा हेलोजन एल्केन मतलब जब वो उसके साथ जुड़ा है इसको इन अदर वर्ड्स एल्काइल हेलाइड भी कहा जाता है याद आया बिल्कुल अब देखो स्टूडेंट्स ये तो जनरल रिएक्शन हो गई ऐसे में अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ जो कि शायद हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था अगर आपको गिवन है सी CH2, CH2, CH3. और आपने इसकी रिएक्शन मान लीजिए सी एल टू के साथ करवानी है और उसने आपको एरो पर एचन न्यू लिख दिया या सनलाइट लिख दिया तो आइडेंटिफिकेशन हो गई भी फ्री रेडिकल सब्सटिट्यूशन होगा सिंपल है सी एल का करेगा एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और उसकी जगह ले लेगा ले है ना अब देखो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज गेन हो सकती हैं एक तो भी आपके कॉर्नर वाला हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट uh, हो रहा है दूसरा क्या जो आपके सेंटर वाले हैं वो सब्सटिट्यूट हो रहे हैं तो अगर आपको कॉर्नर वाला हाइड्रोजन निकलता है और सी एल उसकी जगह लेता है तो हमें क्या मिलेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एल एक हाइड्रोजन निकाल दिया ना सी एच थ्री था उसकी जगह CL आ गया और जो हाइड्रोजन निकला वो दूसरे CL के साथ जुड़कर एच सी एल बना दिया अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो आपके बीच वाले हाइड्रोजन है ये सब्स्टिट्यूट हो जाए सॉरी <coughs> अच्छा अगर आपके ये बीच वाले हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाते हैं तो हमारे पास क्या कंपाउंड मिलता है हमें मिलता है सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एल सी एच थ्री ये हमें कंपाउंड मिलता है तो हमें यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं अब पहली बात तो इसी को कैसे हम ऑप्टेन कर सकते हैं क्या मैकेनिज्म होता है जो आप बोल रहे हो बार बार फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन हमें वो समझाइए है, है ना तो देखिए अगर मैं मैकेनिज्म की बात करती हूँ अगर हम इसके मकानिज्म की बात करते हैं तो मकैनिज्म में हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मकैनिज्म तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये चीज बताई थी भी तीन स्टेप्स में ये रिएक्शन होने वाली है पहली स्टेप होता है इनिशिएशन स्टेप दूसरा स्टेप होता है प्रोपेगेशन स्टेप तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप तो इनिशियल सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं जिसे कहा जाता है इनिशिएशन इनिशिएशन स्टेप क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है इनिशिएशन स्टेप अच्छा जी इनिशिएशन स्टेप मैम हमें क्या बताता है भी कैसे हमारी ये जो रिएक्शन है ये इनिशिएट होने वाली है देखिए तो इनिशिएट होने के लिए हमें एक हिंट यहाँ पर ऑलरेडी मिल गया अभी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो इनिशिएशन स्टेप में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है अभी जो हमारे पास सी एल का जो मॉलिक्यूल है हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं उसका मैकेनिज़्म देखेंगे तो जनरल रिएक्शन पहले यहाँ लिख देती हूँ जनरल रिएक्शन हमने इस बार मिथेन लिया है उसकी रिएक्शन सी एल टू से करवाई तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसकी जगह सी एल लेगा सी एच थ्री सी एल बनेगा और एच सी एल निकल जाएगा ठीक है ये जनरल रिएक्शन है इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको मैकेनिज्म करवाती हूँ तो देखो मैंने बोला आपको पहले स्टेप में ये जो सी एल टू मॉलिक्यूल है ये हमारे पास प्रेजेंट था ठीक है अब क्या होगा सनलाइट पड़ेगी इसके ऊपर जब इस Cl2 टू मॉलिक्यूल को मैंने ओपन करके लिख दिया इसपे क्या आ रही है इसपे पड़ रही है सनलाइट क्योंकि यूवी मैंने लिखा है इट मीन सनलाइट की प्रेजेंस में है जब ये होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब क्या एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दोनों सी एल एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे यहाँ क्या होगी होमोलिटिक लेवेज होगी क्यों क्योंकि सी एल सी एल सेम तरह के है ना तो एक एक ये ले जाएगा एक इलेक्ट्रॉन अपना ये ले गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना ये ले गया हमें यहाँ से क्या मिलेगा सी एल पे एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे सी एल पे भी एक इलेक्ट्रॉन यानी कि हमें यहाँ से दो सी एल के रेडिकल ऑप्टेन हो जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है रेडिकल की रेडिकल uh, जनरेट होता है ठीक है अब देखना क्या होने वाला है ये जब हो जाएगा तो हमारे जब नेक्स्ट स्टेप आता है उसे हम कहते हैं प्रोपिगेशन स्टेप अब जो आपका अब जो आपके पास एक सी एल रेडिकल जेनरेट हुआ है वो देखो क्या करेगा वो जो हमारा सी एच फोर मोलिक्यूल है हम सी एच फोर मोलिक्यूल को ओपन अप करके लिख दे सी एच थ्री एच ठीक है ये क्या करेगा ये जो सी एल रेडिकल आया ये इसके पास आएगा और ये क्या करेगा ये इसके बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा बॉन्ड को ब्रेक करवाने से क्या होगा अब इस बॉन्ड पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले गया और ये अपना ले गया जब हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन ले करके गया ना तो हाइड्रोजन क्या करेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ और सी के इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ करके तो एच बना देगा ठीक है एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक बॉन्ड बन जाएगा ना क्योंकि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है तो यहाँ से सी एच थ्री रेडिकल निकल गया अब ध्यान से सुनना बच्चों को इसी में कंफ्यूजन थी यहाँ से क्या रेडिकल निकल गया जी यहाँ से हमें सी एच थ्री रेडिकल मिल गया एच सी एल साथ में ऑफ हो गया अब क्या होगा अब सी एच थ्री रेडिकल इज अनस्टेबल ना तो वो अपने आपको स्टेबिलिटी गेन करेगा क्या होगा ये सी एच थ्री रेडिकल आएगा अब मैंने आपको पहले ही बोला है भी ये जो हमारी रिएक्शन होती है ना जनरली जब भी हम सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये रिएक्शन चलती रहती है चलती रहती है अंत तक इसका कोई वो नहीं है मतलब इसकी कोई वो नहीं है पॉज नहीं होने वाली है तो अब क्या होगा इसको आ, इसका मतलब क्या हुआ भी बहुत सारे सी एल टू के मॉलिक्यूल्स हैं एक मॉलिक्यूल नहीं है अभी एक यूज़ हो गया तो अब हम आगे यूज़ नहीं करेंगे ठीक है अब एक और आएगा सी एल टू का मॉलिक्यूल जिसको हम सी एल सी एल ऐसे ओपन करके लिख दें अब ये सी एच थ्री रेडिकल क्या करेगा ये इनिशिएट करेगा भी ये ब्रेक कर जाए जब ये ब्रेक करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक ले गया और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले गया अब ये सी एच थ्री रेडिकल और ये सी एल रेडिकल जुड़ करके क्या बना देंगे ये बना देंगे सी एच थ्री सी एल और साथ में हमें क्या मिल गया सी एल रेडिकल मिल गया अब ये जो सी एल रेडिकल हमें मिला है ये या तो फर्दर फिर से दोबारा से रिएक्शन शुरू कर ले जैसे देखो यहाँ पे उसने किया या ये फर्दर इसे कंटिन्यू करे तो देखो जब ये कंटिन्यू करता है आगे क्या होगा सी एल रेडिकल जो है ये क्या करेगा अब इसको ये क्या करेगा अब किसके साथ कर करेगा इस सी एच थ्री सी एल के साथ इस सी एच थ्री सी एल को सॉरी थ्री सी एल को हम ओपन अप करके लिख सकते हैं है ना कैसे ओपन अप करके लिखेंगे देखो मैं इसको ऐसे लिख दू एच सी एच टू सी एल एक ही बात है ना एक हाइड्रोजन को मैंने अलग से करके लिख दिया अब देखो क्या होगा इस दो दो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ये बेचारे अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे हाइड्रोजन अब इस सी रेडिकल के साथ जुड़ेगा अब बहुत से बच्चे बोलते हैं बी मैम देखो बहुत सिंपल सी कहानी है आपने यहाँ पर क्या किया आपने इस हाइड्रोजन को सी के साथ जोड़ दिया क्यों जोड़ा आप सी रेडिकल को डायरेक्टली सी एच के साथ जोड़ दो आपने ऐसा क्यों नहीं किया या इस स्टेप में ही देख लो इनिशियल स्टेप में देख लो आपने हमें यहाँ पर बोला भी सी एल रेडिकल इसको बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा ठीक है आपने इसको हाइड्रोजन के साथ ही क्यों जोड़ा आपने इसको सी एच थ्री रेडिकल के साथ क्यों नहीं जोड़ा ये क्वेश्चन सभी बच्चों के दिमाग में आता है तो लेट मी टेल यू जब भी हाइड्रोजन रेडिकल बनेगा और उसके साथ कोई भी रेडिकल हो हाइड्रोजन रेडिकल बहुत ही अनस्टेबल होता है सबसे पहले उसे स्टेबिलिटी देनी पड़ती है तो ये सी एल रेडिकल पहले इस हाइड्रोजन रेडिकल को ही स्टेबिलिटी प्रदान करेगा ना कि सी एच थ्री को इस वजह से ये हाइड्रोजन रेडिकल को चुनता है बॉन्ड बनाने के लिए तो यहां पर भी वही कहानी होगी ये हाइड्रोजन रेडिकल को पहले चुनेगा बॉन्ड बनाने के लिए ना कि सी एच टू सी एल रेडिकल को तो यहां से क्या होगा हाइड्रोजन और सीएल मिलकर के एच सी एल बना लेंगे और हमारे पास सी एच टू सी एल आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ ठीक है अब देखो फिर क्या होगा ये जो सी एच टू सी एल हमारे पास आया है ये जो सी एच टू सी एल रेडिकल हमारे पास आया है ये फर्दर अब क्या करेगा ये फर्दर सीएल टू मॉलिक्यूल ले आओ अब इसके बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा ये इसके इसके इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड बन गया क्या होएगा ये सी एल इसके साथ जुड़ गया तो सी एच टू सी एल टू बन गया और सी एल रेडिकल फिर से आ गया अब ये सी एल रेडिकल इसके साथ जुड़ेगा तो देखो क्या होगा ये सी एल रेडिकल है इसके साथ जुड़ेगा अब सी एच टू सी एल टू को हम ओपन अप करके ऐसे लिख दें एच सी एच सी एल टू बात तो एक ही हाइड्रोजन को अलग से शो कर दिया फिर से वही बात ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ये सी एच सी एल टू अपना ले जाएगा अब ये सी एल रेडिकल हाइड्रोजन वाले को पहले स्टेबिलिटी देगा इसलिए उसके साथ जुड़ करके क्या बना देगा एच सी एल बन जाएगा और ये हमारा बेचारा सेपरेट हो जाएगा सी एच सी एल टू सेपरेट हो गया एक इलेक्ट्रॉन के साथ अब नेक्स्ट स्टेप में देखो फिर क्या होगा ये जो हमारे पास है सी एच सी एल टू ये क्या करेगा एक और सी एल टू मॉलिक्यूल लाएगा इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा ये इसके इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाएगा क्या मिलेगा सी एच सी एल थ्री मिलेगा और बेचारा सी एल रेडिकल यहाँ से हमें मिल जाएगा अब ये भी बहुत अच्छी चीज है इसे क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म कहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना ठीक है इसे क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म कहते हैं यहाँ से हमारे पास क्या आया सी एल रेडिकल आया <laughs> अब ये सी एल रेडिकल क्लोरोफॉम यानी कि इसको हम ऐसे लिख दें एच को सेपरेट करके लिख दिया देखिए सी एच सी एल थ्री आया था ना मैंने एच को सेपरेट करके लिख दिया अब फिर से क्या करेगा इसके बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा तो ये हाइड्रोजन के रेडिकल के साथ सी एल का रेडिकल जुड़ करके एच सी एल बना देगा और यहाँ से हमें सी सी एल थ्री का रेडिकल मिल जाएगा अब ये सी सी एल थ्री का रेडिकल एक सी एल टू मॉलिक्यूल के इससे कंबाइन करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ये अपना ले जाएगा जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा इसका एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से क्या मिलेगा सी सी एल फोर मिलेगा और साथ में एक सी एल रेडिकल तो अब हमारे पास आगे कोई हाइड्रोजन नहीं बचा है तो ये यह रिएक्शन यहाँ पर अब हमें स्टॉप करवानी पड़ेगी यानि कि अब हमारी कौन सा स्टेप आएगा हमारा थर्ड स्टेप आएगा जिसे कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप क्योंकि अब हमें इस रिएक्शन को टर्मिनेट करवाना है यानी कि रुकवाना है अब टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है देखो लास्ट में हमारे पास क्या है सी रेडिकल आया तो क्या होगा ये सी एल रेडिकल ऐसे ही और भी सी एल रेडिकल जनरेट होते हैं उनके साथ जुड़ करके क्या बना देगा सी एल टू बना देगा तो सी एल रेडिकल की तो कहानी खत्म करवा दी ऐसे ही इनिशियली स्टार्टिंग में आपको सी एच थ्री रेडिकल देखने को मिला था ना तो क्या होगा सी एच ट्री रेडिकल है एक हमारे पास एक हमारे पास सी एल रेडिकल जनरेट होता है ये दोनों मिलकर के सी एच थ्री सी एल बनाते हैं एक और कहानी होती है यहाँ पर ट्रेसिस में बहुत ही कम मात्रा में लेस अमाउंट में क्या आप देखने को मिलता है इथेन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है जैसे कि मैंने कहा सी एच सी रेडिकल जनरेट हुआ तो वो सी एच सी रेडिकल खुद के सी एच सी रेडिकल के साथ जुड़ करके सी टू एच सिक्स बना लेता है जिसे इथेन कहा जाता है जो कि ट्रेसेस में पाया जाता है बहुत ही कम मात्रा में देखा जाता है ठीक है तो ये कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है भी आपको ऑप्शंस दे देगा भी क्या क्या बनता है इस रिएक्शन के दौरान तो वहां पे सी टू एच सिक्स लिखते बच्चे उसे टिक नहीं करके आते बच्चों को लगता है ये कैसे पॉसिबल है पॉसिबल ही नहीं है लेकिन यहाँ जनरेट होता है टर्मिनेशन स्टेप के अंदर ठीक है तो ये जो हमारी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो कि मैकेनिज्म मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया अब स्टूडेंट्स हमारी एक हमने नेक्स्ट uh, जो रिएक्शन पढ़ी थी दैट वॉज अबाउट मारकॉनिक ऑफ रूल ठीक है क्या रिएक्शन थी हमारी रिएक्शन थी एल्कीन को जब आप हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो किसके साथ हाइड्रोजन हेलाइड के साथ मतलब ये हमारा जो है सेकेंड रिएक्शन है जब आपने एल्कीन मॉलिक्यूल लिया आपने उसको एच के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कौन सा रूल लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल ठीक है अब इस रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है भी जो नेगेटिव पार्ट होता है जैसे X पे नेगेटिव है और हाइड्रोजन पे हमें पता है पॉजिटिव है नेगेटिव पार्ट उधर जाता है जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है तो यहाँ पर तो हमने डायरेक्टली शो किया सिमेट्रिकल है तो किसी भी कार्बन पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए और किसी भी कार्बन पर आप हेलोजन लगा दीजिए तो इस तरह से कंपाउंड मिलेगा अब मैं आपको पहले मार्कॉनिक ऑफ रूल के लिए मकैनिज्म बताती हूँ क्यों बता रही हूँ क्योंकि मार्कोनिक ऑफ रूल में ना एक एक्सेप्शन होता है शिफ्टिंग का केसेस में आप जहां पर शिफ्टिंग हो सकती है वहां शिफ्टिंग कराते हो आप कहोगे अरे ये क्या आ रहा है मैम ये तो ऊपर से जा रहा है जो आप बोल रहे हो जब कराऊंगी तो अच्छे से समझ आ जाएगा देखना रूल आप सभी को याद है नहीं याद है तो मैं दोबारा लिखवा देती हूं नेगेटिव पार्ट गोज कार्बन आटम दैट यहां लिख लेना दैट डबल बॉन्ड कार्बन आइटम दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम ज लेस नंबर ऑफ विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स ये किसमें देखते हैं आप अनसिमिट्रिकल केसेस में मान लो आपके पास ये गिवन है सी एच थ्री सी एच डबल वॉन्ड सी एच टू और मैं यहाँ पर एच सी एल के एडिशन करवा रही हूँ ठीक है तो इस केस में ये वैलिड होता है कैसे होता है देखो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट हमारा क्या है सी एल नेगेटिव हाइड्रोजन क्या पॉजिटिव तो ये नेगेटिव किस पे जाएगा किस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है यहाँ एक हाइड्रोजन है यहाँ दो हाइड्रोजन है किसके पास जाएगा कम इसके पास है ना तो सी एल नेगेटिव इसके पास जाएगा और एच पॉजिटिव दूसरे वाले के पास जाएगा और इनका एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्या मिलेगा हमें यहाँ से हमें मिलेगा सी एच थ्री सी एच सिंगल बॉन्ड क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया सी एच थ्री ये मेजर प्रोडक्ट होगा अब मैं समझाती हूं भी एक्चुअली इसका मकानिज्म क्या होता है तो इसके मकैनिज्म को समझने के लिए मैं आपको बता दू स्टूडेंट्स कि मार्कोनिक रूल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है किस तरह का रिएक्शन होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक तो यहां से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है अब पहली बात देखो जब मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से वाकिफ कराया था इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है आपको याद है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन फाइल मतलब लविंग रिमेंबर आप मैंने आपको बोला था फाइल और फोबिक के बारे में फिलिक और फोबिक के बारे में फिलिक क्या होता है जो लविंग स्पीशीज होती है फोबिक क्या होती है जो हेट करती है तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग जो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा बेसिकली ठीक है अब देखो यहाँ पर हमारे पास एच है आपको पता है एच सी एल किस में स्प्लिट होता है एच पॉजिटिव में और नेगेटिव में तो मुझे बताओ एच पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा या नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग है अब नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा जो पॉजिटिव है वही जाएगा नेगेटिव की तरफ नेगेटिव जाएगा तो रिपेल हो जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे है ना तो अब यहाँ पर क्या होगा देखिए पॉजिटिव स्पीशीज यही होगी जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए सी के पास तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो रिपल्शन होगी तो एच पॉजिटिव क्या है हमारा H पॉजिटिव हमारा क्या है इलेक्ट्रोफाइल है क्या है इलेक्ट्रोफाइल है मतलब कि ये क्या होगा H पॉजिटिव H पॉजिटिव की एडिशन रिएक्शन है अब H पॉजिटिव की कैसे है? देखो हमने ये केस लिया था ना CH3 ये वाला इसी को दोबारा लेके यहाँ पे देखिए हमारा क्या है CH3 CH डबल बाउंड CH2 ये है और यहाँ पे क्या आएगा एच पॉजिटिव आएगा और वो एडिशन रिएक्शन करेगा तो अब मुझे कुछ सोच के बताओ पहले क्या होगा ये डबल बॉन्ड है ना ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके किसी ना किसी कार्बन पे जाएंगे कैसे जाएंगे इसको समझो यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो वो इस कार्बन पे जाएंगे या इस कार्बन पे जाएंगे अब ध्यान से सुनना हमने ये पढ़ा था कार्बोकटाइन के अंदर जब जी मैंने आपको पढ़ाई भी कार्बोकटाइन में थ्री डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है फिर टू डिग्री फिर वन डिग्री याद आया है ना मैंने आपको कार्बोकटाइन में बताया था कार्बो फिर से याद कराती हूँ जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है नहीं याद तो मोटा मोटा बता दिया कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो थ्री डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव आएगा वो ज़्यादा स्टेबल फिर टू पे फिर वन है ना अब यहाँ देख लीजिएगा भी ये जो हमारा बॉन्ड है अगर वो इस कार्बन पे टूटे चलो सोचो यहाँ गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इस पे गए इस पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव अब नेगेटिव पे आकर के कौन जुड़ेगा पॉजिटिव आकर के जुड़ेगा चलो लेटेस से मैं पर्पल से शो करती हूँ अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव इससे जुड़ जाएगा CH3 बन गया। अब मुझे एक बात बताना, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया था ना इस पर क्या आ जाएगा? ऐसे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा समझ रहे हो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गए, इस कार्बन पे तो नेगेटिव आ गया लेकिन इस बेचारे का भी तो बॉन्ड टूटा है इससे इलेक्ट्रॉन्स चले गए ना तो ये बेचारा तो वेकेंट हो गया ना मतलब न्यूट्रल स्पीशीज के पास पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल अमाउंट में होता है नेगेटिव चला गया पॉजिटिव से बचेगा ना वो तो ये पॉजिटिव से बचा ना अब देखो ये हुआ अब मान लो एक और जो इसमें पॉसिबिलिटी आप लोग कहोगे मैम एक और है मैम अगर आप इसको यहाँ पे ब्रेक कर दो कर दो यहाँ पे करके देख लो क्या बनेगा देखना यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ ब्रेक करते हैं इस इसपे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव की तरफ ये पॉजिटिव जाएगा क्या बनेगा हाइड्रोजन जा करके जुड़ गया अभी जब ये बेचारा यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लेगा जाएगा इस पे आ जाएगा पॉजिटिव मुझे बताइए इन दोनों स्ट्रक्चर में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है यहां ये कैसा बन रहा है टू डिग्री कार्बोकोटाइन ध्यान से देखो यहाँ ये कैसा कार्बोकोटाइन बन रहा है टू डिग्री कैसे पता चला आपका हो गया मैम अरे डिग्री ऑफ मैंने आपको कार्बन नहीं बताया ये कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है दो से जुड़ा हुआ है तो टू डिग्री कार्बोटाइड है ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना ये कितने से जुड़ा हुआ है ये एक ही से जुड़ा हुआ है ये वन डिग्री है ये सिर्फ आपको लिखने के लिए समझाया है ठीक है ताकि आपको समझ आ जाए तो टेंशन ना लीजिए ये सिर्फ लिखने के लिए आपको एक बार स्टेप बताया है अब मतलब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये लेस स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस तो आपको जनरली बुक्स में सिर्फ यहाँ तक देखने को मिलेगा वो ये स्टेप लिखेंगे नहीं क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लेस स्टेबल है ये मोर स्टेबल है वो सीधा इसकी रिएक्शन आगे करवाएंगे ये सिर्फ समझाने के लिए भी टू डिग्री मोर स्टेबल होता है इन कम्पेरिजन टू फर्स्ट वन तो अब हम इससे प्रोडक्ट बनाएंगे ना कि इससे

तो ये हमें क्या मिल गया एज अ प्रोडक्ट मिल गया इसका नाम अगर आप लिखना चाहते हो तो नाम भी लिख सकते हो क्या नहीं हो जाएगा? टू क्लोरोन हो जाएगा तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा तो मार्कोनिक ऑफ रूल शायद सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब मेरे को इसको आपको करवाने का सिर्फ एक मोटिव था अभी कई केसेस में क्या होता है यहां तक हम करते हैं ना इसके बाद रीअरेंजमेंट हो जाती है वो भी बताऊंगी घबराओ मत यहाँ तक समझ आया अच्छे से ये दो पॉसिबिलिटीज़ अच्छे से समझ आ गई बस एक बार ना अगर आपको लगता है भी नहीं हम पहले इलेक्ट्रॉन्स भेजेंगे नेगेटिव चार्ज लगाएंगे लगा लो उसके बाद एच पॉजिटिव जोड़ दो एक और स्टेप बढ़ा दो चलेगा लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप समझो अब एक और रूल है रीअरेंजमेंट स्टेप से पहले बता दूं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है और क्या होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है बिल्कुल ऑपोजिट होता है मार्कोनिक ऑफ रूल का ठीक है एंटी मार्कोनिक रूल ये कहता है कि अब आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां जाएगा देखो नेगेटिव पार्ट ऑफ सॉरी नेगेटिव पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड कार्बन एटम एक सेकेंड में पानी पी लो <coughs> हाँ जी आप सब भी हाइड्रेटेड रहिए साथ साथ पानी पीते रहिए ठीक है ओके तो नेगेटिव पार्ट ऑफ अ डबल बॉन्ड कार्बन आटम गोज टू गोज टू दैट कार्बन अरे वन सेकेंड नेगेटिव पार्ट विल गो टू डैट डबल बॉन्ड कार्बन आटम डबल बॉन्ड कार्बन आइटम विच हैज अब बिल्कुल उसको ऑपोजिट होगा मार्कोनिकॉफ कहता था जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है वहां पर नेगेटिव पार्ट जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर जाएगा विच हैज मोर नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम जस्ट उसका ऑपोजिट होगा लेकिन ना इसके अंदर ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है सिर्फ एंटी मार्कोनिक ऑफ लगेगा और जनरली दो चीजों का ध्यान रखना मार्कोनिक ऑफ रूल बट लेकिन अगर वहां पर एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड लिखा जाता है तो ध्यान रखो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है तो डू रिमेंबर दिस अगर आपको ऐसे मिल जाए सी एच थ्री सी एच टू जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है यहां ज्यादा हाइड्रोजन है ना इस डब्ल्यू बॉन्डेड के पास तो बी आर नेगेटिव अब इस बार इस पे जाएगा और एच पॉजिटिव हमारा इधर जाएगा तो अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा सी एच थ्री सी एच टू CH2, BR, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा सभी को क्लियर हुई ये चीज अब मैंने आपको बोला था एक रीअरेंजमेंट यानी कि शिफ्टिंग की रिएक्शन होती है जिस पे हमें फोकस करना है <coughs> दो मिनट ले लो फटाफट से इसको नोट no डाउन करो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो ठीक है चलिए अब हम करते हैं रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग वाला केस

एच बी आर भी आ सकता है एच आई भी आ सकता है इट डिपेंड्स भी आप यहां क्या ले रहे हो मैं यहां सीसीएल फोर ले रही हूं अगर मैं यहां पर एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड लेती तो एंटी मार्कोनिक ऑफ लगना था अगर मैं एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ सीसीएल फोर लेती तो हमारा मार्कॉनिक ऑफ लगना था तो आप यहाँ पर एक बार एच लो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको ठीक है अब देखिए यहां पर क्या होगा मैंने बोला मार्कोनिक ऑफ रूल लगना है तो बहुत सिंपल सी कहानी है आप मार्कोनिकऑफ रूल तो लगा दोगे मुझे अच्छे से पता है ठीक है लेकिन मैं क्या चाहती हूँ एक बार इसको वैसे ही करो जैसे हमने मैकेनिज्म किया था हम डबल बॉन्ड को कहाँ ब्रेक करेंगे ऑब्वियसली इस कार्बन पे ब्रेक करेंगे क्यों क्योंकि अगर इस पर ब्रेक करेंगे ना तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो हमारा ये जो इलेक्ट्रोफाइल है एच पॉजिटिव है ये इस पर जाकर के पहले जुड़ेगा नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव जाएगा ना और यहाँ पर बिचारा ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट तो क्या बनेगा देखो यहाँ से बनेगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी पॉजिटिव और यहां से ऐसे यही बनेगा ना यही तो अभी करवाया था मैंने क्या करवाया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाना है एच पॉजिटिव का एडिशन कराना है एच पॉजिटिव कहाँ आएगा या तो टेंडेंसी है यहाँ ब्रेक हो या यहाँ ब्रेक हो यही टेंडेंसी है अगर इस कार्बन पे हमारे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं चले जाते हैं तो ये कार्बन नेगेटिव चार्ज ले लेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं तो ये एच पॉजिटिव उसके साथ जुड़ जाएगा है ना और दूसरे वाला बेचारे से इलेक्ट्रॉन चले गए ना बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वो डेफिशियट हो गया तो उस पर कैसे चार्ज आएगा पॉजिटिव आ जाएगा ठीक है तो यही मैंने यहाँ पर बनाया अगर दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या होता था अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एच पॉजिटिव उससे जा करके जुड़ जाएगा इस पर पॉजिटिव आएगा जो कि वन डिग्री कार्बो कार्बोकोटाइन बनेगा जो कि अनस्टेबल है तो हमारा ये मेजर प्रोडक्ट है इतना सभी कर लेंगे अब यहाँ पर होती है रीअरेंजमेंट आपने रीअरेंजमेंट वहीं करानी है जहाँ नेसेसिटी हो अब रीअरेंजमेंट कराने से क्या होगा अभी ये कैसा कार्बोकोटाइन है

हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा ये हाइड्रोजन अपने ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहां चला जाएगा यहां चला जाएगा समझना ये बॉन्ड ब्रेक करके यहां चला जाएगा ये नेगेटिव चार्ज लेकर यहां चला जाएगा जब लेकर चला जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे न्यूट्रल हो गए वो न्यूट्रल हो गए बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हाइड्रोजन उधर जुड़ गया जोड़ दो हाइड्रोजन को सबसे पहले सी एच टू हो गया अब यहां पर पहले यहां सी एच पॉजिटिव था अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉनगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल गए न्यूट्रल हो गया ना चार्ज खत्म हो गया लेकिन ये बेचारा कार्बन जिसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर के चला गया अब ये कार्बन कैसा हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियट हो जाएगा क्योंकि इसका भी तो एक इलेक्ट्रॉन था जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था जो कि वो लेकर के चला गया अब ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया क्योंकि क्यों एक स्पीशीज पे पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है नेगेटिव चला गया तो पॉजिटिव बचाना तो इसके पास पॉजिटिव रह गया अब मुझे बताओ ये किस तरह का कार्बोकोटाइन बना एक कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है एक दो तीन से जुड़ा है तो ये किस तरह का बना ये हमारा थ्री डिग्री कार्बोकोटाइन बना ना तो अब मुझे कंपेयर करके यहाँ से बताइए एक बात कि थ्री डिग्री कार्बोकोटाइन ज्यादा स्टेबल है या टू डिग्री ऑब्वियसली थ्री डिग्री ज्यादा स्टेबल है तो आपको रीअरेंजमेंट क्यों करवानी होती है ताकि उसे स्टेबिलिटी मिल सके अब यहाँ तक समझ आई इसके बाद बहुत सिंपल कहानी हमारा यहाँ सी नेगेटिव बचा था वो सी नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा हमें अब ये कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा तो बच्चे इसमें बहुत गलती करके आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जामिनर पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन है वो सोचते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल लगाओ कहानी खत्म बट मार्कॉनिक ऑफ रूल में जी रीअरेंजमेंट भी हो सकती है जहां पॉसिबल हो अब मान लो आप करवा रहे हो रीअरेंजमेंट लेकिन आपका वन डिग्री कार्बो का बन रहा है फिर फिर तो फायदा नहीं है ना फिर तो डायरेक्टली टू डिग्री को ही रखो लेकिन जब आपका थ्री डिग्री ऑप्टेन हो सकता है तो रीअरेंजमेंट करवा करके प्रोडक्ट को ऑपटेन करवाएंगे तो इस तरह से हमारी जो आ, ये रीअरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रोजन है, है, है वाला जो हमारा केस है वो यही समाप्त होता है अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फॉर अवर रिएक्शन कैसी रिएक्शन है अब हमारी अब हम एल्कोहल वाली इसे आगे करेंगे अभी पहले हम फिंकल स्टीन करते हैं तो चलिए अब हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही अब हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में ही रिएक्शन आती है हेलो एल्केन में ही रिएक्शन आती है पिंकल स्टीन रिएक्शन ये नेमिंग रिएक्शन है नेम से भी पूछी जा सकती है डायरेक्ट या आपको रिएक्शन एग्जामिनर दे देता है और पूछता है भी इस रिएक्शन का नाम बताइए तो इस तरह से पूछ सकते हैं रिएक्शन क्या होती है ध्यान से समझेंगे रिएक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं किसका हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर आर का ठीक है जब हम यहाँ पर आर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो हम एक्स का यहाँ पर यूज करेंगे इट कैन बी आईधर सी और इट कैन बी आईधर बी मतलब हम आर और आर आर की हेल्प से आर आई की प्रोडक्शन करते हैं ध्यान से समझेगा एक हेलो एलकेन से दूसरा हेलो या R -R से हम आर आई बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं ध्यान से सुनेंगे एक्स की जगह पर सी एल भी लगा सकते हो बी आर भी लगा सकते हो दोबारा रिपीट कर रही हूँ कहीं इसको एच एक्स समझ लो कहीं इसको आर एच समझ लो आर एच नहीं है एच एक्स नहीं है ये आर एक्स हैलकेन है, हेलो एलकेन है। इसमें एक्स आप सी एल लगाओगे या बी आर लगाओगे रिएक्शन करवाओगे एन ए आई के साथ किसके साथ करवाना है एन ए आई के साथ अब जब ये रिएक्शन करवाई जाती है स्टूडेंट्स तो ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में ड्राई एसीटोन की यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर एक्सचेंज होगा हेलोजन एक्सचेंज होगा क्या होगा बहुत सिंपल है आर पर देखो क्या चार्ज होता है पॉजिटिव इस पे नेगेटिव इस पे क्या होता है पॉजिटिव इस पे नेगेटिव इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दो बहुत सिंपल कहानी है आर ई किसके साथ जुड़ेगा आई के साथ क्या बन गया आर आई बन गया और एन ए किसके साथ जुड़ेगा एक्स के साथ जुड़ेगा क्या बन गया एन ए एक्स बन गया बहुत सिंपल रिएक्शन थी ठीक है मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे हम यहां से आर सी एल या आर बी आर को जब हम एन ए आई के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आर आई बनेगा और एन ए एक्स बनेगा अगर आप आर सी एल लेते हो तो यहाँ एनए सी एल बन जाएगा अगर आर बी आर लेते हो तो यहां एन ए बी आर बन जाएगा ठीक तो है तो यहां से हमने यहां से भी हमने हेलो एलकेन ही बनाया है देखिए और हेलो एलकेन ही बनाया है एलकाइल आयोडाइड ही बनाया है समझ रहे हो एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से एल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हुई है अब कई बच्चे कहते हैं भी यहाँ पर NAI का ही क्यों इस्तेमाल किया एन ए सी एन ए सी एल या एन ए बी आर क्यों नहीं यूज़ किया अगर हम यहाँ पर एन ए आई की जगह पर एन ए सी एल या एन ए बी आर का इस्तेमाल करते तो पीपीटी बन जाती इसीलिए हम उसका यूज नहीं करते हैं हमें आर आई नहीं मिल पाता उस केस में इसीलिए हम सिर्फ एन ए आई का इस्तेमाल करते हैं सभी को ये रिएक्शन क्लियर होगी ये नेमिंग रिएक्शन है पूछी जा सकती है डाय रेक्ट पूछते हैं ठीक है ऐसी ही एक और नेमिंग रिएक्शन है आइए समझते हैं उसे कहा जाता है स्वार्ड रिएक्शन अब इसका नाम आपने पिछले लेक्चर में भी सुना होगा स्वार्ड्स रिएक्शन स्वार्त्स रिएक्शन हमें क्या समझाता है ध्यान से सुनेंगे स्वार्त्स रिएक्शन से मैंने आपको आपको याद होगा मैंने आपको जब बताया था कि हम हैलोजिनेशन करवाते हैं तो हम आरएफ ऑब्टेन नहीं कर सकते याद आया कि आरएफ ऑब्टेन नहीं होगा आरएफ किससे ऑब्टेन होगा स्वार्त्स रिएक्शन से होगा किस तरह से होगा अब यहाँ पर हम जो यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं जैसे मान लो हमने आर बीआर लिया मान लो हमने CH3 Br लिया इसकी रिएक्शन मैंने किसी हैवी मेटल फ्लोराइड से करवानी है किससे करवानी है हैवी मेटल फ्लोराइड फॉर एग्जांपल हम एजीएफ लेते हैं एजीएफ इज अवर हैवी मेटल हैवी मेटल हैवी मेटल फ्लोराइड जब हम इसकी रिएक्शन किसी हैवी मेटल फ्लोराइड से करवाएंगे अगेन यहां पर हेलोजन एक्सचेंज होगा पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो बहुत सिंपल सी कहानी है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ करके सी एच थ्री एफ बना देगा इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़कर ए जी बी आर बना देगा तो यहां से ये यह हमें क्या मिला आर एफ मिला बेसिकली दिस इज वॉट आर एफ दिस इज वॉट दिस इज अवर हेलो एल्केन दिस इज अवर हेलो एल्केन समझ आई कहानी तो ये डायरेक्ट रेबिक रियक्शन है तो इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है इसको दो बार लिखोगे फिर दो बार रीड करोगे फिर एक बार हाथ रख के बोलकर देखोगे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना देखना खुद ब खुद हो जाएगी और जब क्वेश्चन करोगे ना अपने आप याद हो जाएगा तो कभी भी रिएक्शन से घबराना नहीं है देखो तो कुछ भी नहीं है बस पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो कहानी खत्म इतना सही तो है ना अब हम करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल किससे कर रहे हैं अब हम एल्कोहल से बनाने लगे हैं हेलो एल्केन को तो एल्कोहल से कैसे बनाना खुद सोच के देखो बहुत सिंपल है एल्कोहल क्या होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है याद आया ना फंक्शनल ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप बताया था मैंने तो हमने क्या करना है एल्कोहल यानी कि आर ओ एच से क्या बनाना है आर एक्स हेलो हेलोएल्केन बनाना है अब इसको बनाने के लिए ना स्टूडेंट्स तीन मेथड्स होते हैं आप कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो सबसे पहला मेथड होता है इसको ऑप्टेन करने के लिए दैट इज बाय हाइड्रोजन हेलाइड पहला मेथड क्या होता है हाइड्रोजन हेलाइड का इस्तेमाल करके आप हेलो हेलोएल्केन बना सकते हैं दूसरा मेथड क्या होता है फॉस्फोरस हेलाइड यानी कि पी या पी P... एक्स फाइव की हेल्प से भी आप हेलो एल्किन को फॉर्म कर सकते हैं और तीसरा मेथड आता है थाल क्लोराइड कौन सा आता है तीसरा आता है थायोनाइल क्लोराइड आता है जिसे हम एस ओ सी एल टू भी कहते हैं ठीक है तो इन तीनों मेथड से आप ऑप्टेन कर सकते हो अल्कोहल अब इसको ऑप्टेन करने से पहले एक चीज मैं और बताऊंगी जो सबसे पहला मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं द वेरी फर्स्ट मेथड इज हाइड्रोजन हाइड्रोजनहलाइड पहला कौन सा है पहला है हाइड्रोजन हेलाइट से तो जब हम ये मेथड स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना तो इसमें एक चीज का ध्यान आप सभी देंगे हाइड्रोजन हेलाइट का मतलब क्या होता है एच एक्स हाइड्रोजन हेलाइड हाइड्रोजन जब हेलोजन से जुड़ा है याद नहीं करना खुद खोल के देखो हाइड्रोजन हेलाइड हाइड्रोजन हेलोजन ठीक है अब देखना यहाँ पर आप कहोगे देखो आपके पास एच भी होगा आपके पास यू कैन से हमारे पास क्लोरीन भी होगा ब्रोमीन भी होगा है ना तो हमारे पास क्या है ब्रोमीन के साथ भी है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भी है फ्लोरिन के साथ भी है हम इन सबके साथ करवा सकते हैं लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ भी ज़्यादा अच्छे से रिएक्टिविटी कौन शो करेगा क्या ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का भी अगर मान लो मैं एच यूज कर रही हूँ या एच यूज़ कर रही हूँ हु इज मोर रिएक्टिव कैसे बताओगे तो देखना ऑर्डर हमारा कुछ इस तरह से होता है अब इसका रीजन ना आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ इस तरह से हमारा ट्रेंड चलता है ना क्लोरीन क्लोरीन इधर आएगा इसको करेक्ट करते हैं हाँ वैसे तो मैंने बोला ना क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा खुद सोचो आयोडीन का साइज डाउन द ग्रुप आ रहे हो साइज बढ़ रहा है नहीं पता इस चीज़ के बारे में मैं बता रही हूँ नीचे आओगे ना ग्रुप में साइज़ बढ़ता है तो क्या होगा आयोडीन का साइज़ क्या है जी सबसे ज़्यादा आयोडीन का साइज ज़्यादा होने की वजह से एच आई का बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है बॉन्ड लेंथ क्या होती है बॉन्ड लेंथ क्या होती है ज्यादा होती है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या होता है आप उसको बहुत इजीली ब्रेक कर सको अब एक देखो इसको समझने की कोशिश करना दो मान लो आपके पास एक हाइड्रोजन है एक आपके पास हेलोजन है वो इतनी पास है आपने इनको ब्रेक करना है और एक ऐसे है इनको ब्रेक करना अरे है अरे ये जो ऑलरेडी दूर हैं उसको थोड़ा सा भी करोगे तो वो दूर ही हो जाएंगे अब जो इतनी पास है इतनी स्ट्रांगली अटैच है उनको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए यानी कि जिसकी बॉन्डलेंथ ज़्यादा है बहुत ईजिली ब्रेक हो सकती है तो एच की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से आप इसे ईजिली ब्रेक कर सकते हो तो ईजिली ब्रेक कर सकते हो जिसके कारण हम ये कह देते हैं कि इसकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ना स्टूडेंट्स वो क्या होता है ज्यादा होता है इसीलिए एच आई ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू एच बी आर एच सी एल या एच एफ ठीक है अब एक और ऑर्डर होता है जो आपको पता होना चाहिए आर ओ एक्स का भी थ्री डिग्री एल्कोहल ज्यादा स्टेबल होगा टू डिग्री या वन डिग्री तो हमेशा ध्यान देना थ्री डिग्री एल्कोहल ज़्यादा स्टेबल फिर टू डिग्री और फिर वन डिग्री एक मिनट लीजिए इसको लिख लीजिए टिल द आयल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर ओके तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं वन बाई वन मेथड से प्रिपेयर तो so सबसे पहले हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं हाइड्रोजन हेलाइड ओके बाय हाइड्रोजन हेलाइड हाइड्रोजन हेलाइड मतलब क्या होता है एच एक्स होता है है ना यही था ना अच्छा अब देखो जब आपको ना इतनी सारी रिएक्शंस करवा रहे होते तो कई बच्चों की मतलब इतनी पावर नहीं होती वो इतनी रियक्शन एक ही बारी में कर ले तो आई वुड सजेस्ट अगर आप थक रहे हो या आपको नींद आने लग रही है बीच में से तो जाग जाओ फटाफट जाके अपनी आईज वॉश करके आओ और बैठो अरे नहीं नहीं, नहीं मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना है तो प्लीज इस टेक्निक को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और अगर आपको लगता है ब्रेक चाहिए पांच या दस मिनट का ब्रेक लेना इससे ज्यादा ब्रेक मत लेना क्योंकि देखो अगर इससे ज्यादा ब्रेक लोगे ना तो जो रिएक्शन पड़ी है ना वो भी भूल जाओगे और हमें हर चीज को बहुत ध्यान से सुनना है जब हम ध्यान से सुनते हैं तब ही इंटरेस्ट डेवलप होता है जब हम इधर उधर की बातें सोचते हैं या हम मतलब ये सोचते हैं अरे कब खत्म होगा लेक्चर हम थक रहे हैं तो फिर नहीं हो पाएगा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ भी ये रिएक्शन कुछ भी नहीं है आपके सामने देखो पॉजिटिव से जोड़ रहे हो। क्या कर रहे हो अटैक करेगा कुछ भी नहीं है, मतलब जो है उसी पे है सब कुछ तो कुछ एक्स्ट्रा तो हम कर ही नहीं ओपन अप करके और प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं है जैसे अब एल्कोहल से बनाने तो हमें पता है, भी है। हमें ये भी पता है प्रोडक्ट क्या बनना है? है केन बनना है तो बस बीच का हम एक रिएजेंट ही तो पता करना है जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है कहानी तो सभी भी सेम है हमें रिएक्टेंट पता है प्रोडक्ट पता है बस एक रिएजेंट ही तो पता करना होता है तो जब आप इसको ध्यान से सुनोगे सुनोगे अटेंटिवली सुनोंगे ना बच्चा तो बहुत इजी से आपको समझ आएगा तो इसको इस तरह से ही करना है ठीक है अपनी आंखें वॉश करके आइए अगर आपको लग रहा है और अगर नहीं लग रहा है तो आगे कंटिन्यू करते हैं चलिए अब देखिए अब हमने बोला भी हमने हाइड्रोजन हेलाइड से इसको अपटेन करना है ना तो देखो स्टूडेंट्स क्या यहाँ पर होगा हाइड्रोजन हेलाइड मतलब एच के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो ठीक है एल्कोहल के साथ करवा दिए अल्कोहल मैंने बोला तीन तरह के ना थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री तो तीनों के साथ करा के देखते हैं ताकि तीनों वाली प्रैक्टिस हो जाए तो देखो अगर हम अगर हम वन डिग्री एल्कोहल लेते हैं स्टूडेंट्स हम क्या ले रहे, ले रहे हैं वन डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं वन डिग्री एल्कोहल का मतलब जैसे कि सी एच थ्री 2, OH है हमारे पास है ना तो अब ये हमारा वन डिग्री क्यों हुआ क्योंकि एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो वन डिग्री कार्बन है तो एल्कोहल भी क्या कहलाएगा वन डिग्री एल्कोहल कहलाएगा याद कीजिए डिग्री मैंने करवाई थी ना वैसे ही यही अब हाइड्रोजन हेलाइट मान लो मैं यहाँ पर एच सी एल लेती हूँ एक्स की जगह मैंने क्या लिया सी एल लिया बहुत सिंपल है एपको अरे ये रिएक्शन होती है मतलब इन्होंने हमारा जीना आराम कर रखा होता है तो कुछ भी नहीं है देखो ये हाइड्रोजन इस ओ एच के साथ जुड़ जाएगा वाटर निकल जाएगा लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है यहां पर ये जेड एन सी एल टू की प्रेजेंस में होता है इसकी प्रेजेंस में जेड एन सी एल टू की जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ठीक है तो ये वाटर को रिमूव कर देगा वाटर निकल गया तो क्या बचा क्या बचा ये सीएल इसके साथ जुड़ गया क्या आएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एल बचा है ना यहाँ से तो हमारे पास क्या ऑप्टेन हुआ लेफ्ट क्या था सी एच थ्री सी एच टू सी एल बन जाएगा अब इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल के साथ देखे चलिए जी सेकेंडरी अल्कोहल अगर यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करूँ तो ये कैसा होगा हमारा मान लो केस यहाँ पर लेते हैं तो सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ओ एच यही है ना स्टूडेंट्स अब फिर से इसको एच सी एल के साथ करवाओगे अब तो आप खुद से भी बता दोगे अब देखना आधे बच्चों ने तो उसको सॉल्व भी कर लिया होगा कैसे करोगे आप क्या करोगे इस हाइड्रोजन को ओ के साथ जोड़ दोगे वाटर रिमूव कर दोगे सी को उसके साथ अटैच कर दोगे क्या मिलेगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एल मिलेगा और वाटर क्या हो जाएगा लिबरेट हो जाएगा सभी को ये चीज़ क्लियर हुई बहुत अच्छे से इसे नोट कर लीजिए ताकि अब हम थ्री डिग्री एल्कोहल का केस देख सकें हुआ आप देखो थ्री डिग्री में ऐसा नहीं होता मतलब होता है ऐसा ही है लेकिन जेड सी एल टू का इस्तेमाल नहीं करते वहां हाई टेम्परेचर दोगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी तो थ्री डिग्री एल्कोहल के केस में हाँ जी तो थ्री डिग्री थ्री डिग्री एल्कोहल के केस में देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होती है थ्री डिग्री एल्कोहल में वही बात ओ OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर तीन कार्बन से जुड़ा होना चाहिए इस तरह से है ना अब आप इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो एच से करवा रहे हो अब यहाँ ध्यान देना ऐसे लिख लेना जेड एंड सी एल टू लिख के उस पर क्रॉस लगा लेना ताकि हमेशा ध्यान रहे जेड एन सी एल टू का यहाँ इस्तेमाल नहीं करते ये इस डायरेक्टली हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्शन हो जाती है तो इतना हमें इसको लोड देने की ज़रूरत नहीं है फिर से यहाँ से ओ OH एच और एच जुड़ करके वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा ये सी कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा समझ आई ये चीज तो पहला मेथड बाय हाइड्रोजन होप सो सभी को क्लियर होगा चलिए अब दूसरा मेथड यही पर लिखते हैं दूसरा मेथड है, हमारा अब मैं आपको एच बी आर वाला केस कराती हूँ बाय एच बी के साथ तो कर लिया एच के साथ भी करके देख लेते हैं लेकिन पता क्या यहाँ पर हमने ZnCl2 लिया अब यहाँ नहीं लेंगे HCl के साथ ही लेंगे Remember, जब HCL ले रहे हो जब HCl आप जेड एन तभी आप ZnCl2 ले रहे हो जब एच आप लोगे तो देखो आपको क्या एल्कोहल के साथ करा रहे हो ना एल्कोहल के साथ आपने क्या करवाया सॉरी एच लिख दिया यहाँ है ना जब आपने एच लिखा तो ये एच टू एस ओ फोर की प्रेजेंस में होगा प्रेजेंस में होगा अब ये एच टू एसओ फोर की प्रेजेंस में बनेगा तो हमें पता ही क्या बनाना है बनाना मतलब आरबीआर तो बनाना है तो क्या निकलेगा यहाँ से देखो ओ एच और एच मिलकर के वाटर लिबरेट हो जाएगा बस कहानी है यहाँ हमने एच टू एस ओ फोर का यूज किया ऐसे ही जैसे मैंने एच बी आर के साथ करवाया हम एच हाँ आई के साथ भी तो करवा सकते हैं अब मैं यहाँ पर अगर लिखती हूँ बाई एच हाँ, आई तो एच हाँ आई के साथ भी वही कहानी है अल्कोहल लिया मैंने आर ओ एच मैंने एच हाँ आई के साथ करवाया अब यहां पर मैं किसका इस्तेमाल करूंगी कि वहां तो एच टू एस फोर लिया यहां मैं लूंगी एच थ्री पी ओ फोर अब देखो फिर से वही आर आई बनेगा क्योंकि मेरे को पता है मुझे हेलो एल्केन बनाना है और साथ में क्या निकल जाएगा वाटर निकल जाएगा तो इस तरह से रिएक्शंस करवाई जाती हैं अब आपको पहला बाय हाइड्रोजन एलाइड आई होप सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब सेकंड मेथड हमारा जो आता है हाँ जी जो सेकंड सॉरी मैं एक बारी कलर चेंज कर देती हूँ हाँ जी तो जो हमारा सेकेंड आता है दैट इज बाय पॉसफोरस हेलाइट यानी कि पी एक्स थ्री और पी एक्स फाइव वाला केस मैंने आपको बोला था यहाँ हम पी एक्स थ्री लेंगे और हम पी एक्स फाइव लेंगे तो दोनों के साथ देखो क्या होता है हमने अल्कोहल के साथ ही बनाना है हमें इतना पता है अल्कोहल अगर हम मान लो ले रहे हैं तो आर ओ एच हम लेंगे अगर हम इसकी रिएक्शन पी एक्स थ्री मान लो हमने पी सी एल थ्री ले लिया है एक्स की जगह सी एल लेती हूँ इसके साथ करवाएंगे तो ना एक छोटा सा आप इसमें समझो कितने सी एल है तीन सी एल हैं ठीक है तो यहाँ पर आप तीन ही मोलिक्यूल्स लोगे अल्कोहल के ध्यान देना ये पी सी एल थ्री के साथ मतलब पी एक्स थ्री के साथ कैसे करना है अब देखो क्या होगा देखो जितने दे सी एल है उतने ही आपने ये क्यों लिए क्योंकि आर सी एल बधेगा तीन अगर सी एल ए और तीन आ रहे तो कितने आर सी एल बनेंगे तीन आर सी एल ये मोनो हेलोवेल मिल गया ना और साथ में आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है यहाँ से अब आपको क्या मिलेगा देखो कितने अब पी एक है हाइड्रोजन कितने हुए तीन ऑक्सीजन कितने हुए तीन हुए तो यहाँ से हमें मिलेगा हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन तीन और पी एक तो एच थ्री पी ओ थ्री ऑप्टेन होगा एज अ बाई प्रोडक्ट दोबारा देखो तीन ओ OH एच थे ना और एक पी था तो पी बीच में आ गया एच थ्री पी ओ बच जाएगा ठीक है और ये हमारे पास तीन आर सी एल एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे अब क्या होता है देखो कई केसेस में हम क्या करते हैं जैसे हमने यहाँ पर ना पीसीएल का इस्तेमाल किया अब आप कहोगे पीबीआर थ्री डायरेक्टली लिख दो तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्यों देखो क्या होता है कई क्वेश्चंस में ना आपको ऐसे रिएक्शन देखने को मिलेगी वो क्या करेगा एल्कोहल लेगा एल्कोहल के ऊपर वो लिख देगा रेड फॉस्फोरस प्लस एक्स टू अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर जो एक्स टू आप ले रहे हो ना इट कैन बी और बी आर टू इट कैन बी और आई टू तो यहाँ पर वो आपको दे सकता है X2 की जगह पे वो आपको BR2 भी दे सकता है I2 भी दे सकता है देखो जब वो सीधा PCl3 लिख देगा तो तो आप डायरेक्ट कर दोगे लेकिन अगर वो रेड फॉस्फोरस और X2 लिखेगा उसके बाद उसका मतलब भी यही है उसका मतलब भी यही होता है क्यों यहाँ साइड पे लिखना और लिख लेना रेड फॉस्फोरस प्लस एक्स टू यानी कि अगर आप बी आर टू का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका मतलब पी बी आर थ्री है अगर आप यहाँ आई टू का इस्तेमाल कर रहे हो मतलब पी आई थ्री है ठीक है तो यहाँ से बनेगा तो सेम वही हमारे पास बनेगा तो सेम वही हमें यहाँ से क्या मिलेगा आर बी आर मिल जाएगा या हम क्या कहेंगे आर आई एज अ प्रोडक्ट ऑब्ट हो जाएगा तो ये हमारी किसके साथ रिएक्शन हुई ये हमारी एल्कोहल के साथ ये हमारी, <laughs> हमारी किसके साथ रिएक्शन हो गई एल्कोहल के साथ रिएक्शन हो गई है ना अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे हमारा नेक्स्ट केस जो आता है हमने इससे कवर अप कर लिया है ये पी थ्री वाला था अब आप पी फाइव वाला केस देखते हैं तो चलो मैं बात कर रही हूँ अब पी एक्स फाइव की पी एक्स फाइव की जब मैं बात करूँगी फिर से वही बात मैंने करवा दी तो अल्कोहल के साथ ही है ना रिएक्शन तो मैं आर ओ एच के साथ ही रिएक्शन करवाऊंगी और पी एक्स फाइव के साथ रिएक्शन करवाऊंगी अब आप कहोगे मैम जैसे वहाँ पर आपने तीन मॉल के लिए थे ऐसा ही कहानी करनी है नहीं सिंपल सी बात है देखो यहाँ पर क्या होगा जैसे मान लो मैं पी एक्स फाइव की जगह पी पी सी एल फाइव ही ले, ले लेती हूँ तो यहाँ से क्या होगा मेरा हेलो एल मिलेगा आर सी एल एक तो RCL मिलेगा साथ ही साथ मुझे एच बाय प्रोडक्ट और साथ, ही साथ मुझे साथ सी एल थ्री भी एज अ प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा तो ये कुछ डिफरेंट तरह की रिएक्शन है लेकिन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है इसे भी नोट करेंगे अब देखो जो नेक्स्ट वाली हमारी आती है ना उसे हम बोलते हैं डार्जन प्रोसेस थर्ड वाली मतलब था क्लोराइड वाली थायोनाइल क्लोराइड यानी कि मैंने क्या बोला डार्जन प्रोसेस फिर से वे रिएक्शन हमारी क्या होगी आर ओ एच की प्रेजेंस में होगी मैंने आपको बताया था डार्जन प्रोसेस को हम एस ओ सी एल टू कहते हैं मतलब डार्जन प्रोसेस कर रही हूँ मैंने आपको बोला था थायोनाइल क्लोराइड को हम एसओ सी एल टू कहते हैं ना है ना तो इस प्रोसेस को डार्जन प्रोसेस कहेंगे अब इस रिएक्शन के दौरान भी हमें पता है हमने मोनो हेलवेल केन बनाना है जब यहाँ सी एल हो रहा है तो फिर हमारा आर सी एल ही बनेगा इतना तो बट ऑब्वियस वेस अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं साथ ही साथ यहाँ पर एच सी एल रिलीज होगी गैस फॉर्म में रिलीज होगी और फॉर्म ऑफ गैस रिलीज होगी ना तो यह दोनों यहां से उड़ जाएगी तो हमारे पास फाइनली ना सिर्फ आर बनेगा तो वो आपसे ना पेपर में पूछता है कहाँ ऑप्टेन होता है तो प्योरेस्ट आर सी एल इज ऑप्टेन बाय प्रोसेस इस प्रोसेस से हम प्योरेस्ट मोनो हेलोएल्केन बना लेते हैं ठीक है प्योरेस्ट हेलोएल्केन आर सी एल ऑप्टेन करते हैं क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, जो एज अ बाई प्रोडक्ट ऑप्टेन हो रहा है ना वो गैस के फॉर्म में ऑप्टेन हो रहा है और वो उड़ जाता है इस वजह से तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया एल्कोहल से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहीं पर फिनिश जो कि हमने तीन मेथड्स तो आपको बताए पहला मैंने आपको बताया हाइड्रोजन हेलाइड दूसरा मैंने आपको बताया पी एक्स थ्री पी एक्स फाइव के साथ और तीसरा मैंने आपको बताया थायो क्लोराइड के साथ एक बार तीनों दिखा देती हूँ देखिए पहला हाइड्रोजन हेलाइड के साथ जहाँ सिंपल वाटर वाटर निकाल रहे थे जेड एन सी टू के प्रेजेंस में लेकिन थ्री डिग्री अल्कोहल में ऐसा नहीं था हाई टेंपरेचर पर आपने सेम करवाना वही है बट ये हाई टेंपरेचर पे था एच बी में एच में आपने एच टू एस फोर का इस्तेमाल किया एच में आपने एच का इस्तेमाल किया ठीक है इसके बाद हमने पी एक्स थ्री पी एक्स फाइव वाले केसेस देखे जहां पर हमने एक एक्स्ट्रा केस देखा भी अगर आपको रेड फॉस्रस प्लस एक्स टू आ जाए क्योंकि यहाँ पर पी सी एल थ्री कई बार पी सी एल थ्री तो लिखा जाता है डायरेक्ट पी बी आर थ्री में तो पी आई थ्री डायरेक्ट नहीं लिखते उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं ठीक है फिर आपको पी एक्स फाइव वाला केस बताया और लास्ट में आपको थायोनाइल पहले वाला केस बताया अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही है लेकिन ये एलाइलिकलाइड की हेल्प से है तो हमारा क्या आएगा लास्ट है ये हेलो एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय एलाइलिक हेलाइड। अब आप, आपको मैंने जब क्लासिफिकेशन करवाई थी हेलोजन की तो एलाइलिक हेलाइड के बारे में बताया था मैंने क्या कहा था अभी हम ऑप्टेन करेंगे उसके लिए पहले आपको एक रिएक्टेंट देती हूँ आपके पास ये रिएक्टेंट है ठीक है आपके पास ये रिएक्टेंट है अगर मैं ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करवाऊँ ध्यान से सुनना मैं रिएक्शन क्या करवा रही हूँ हाई टेम्परेचर पर अभी एलाइलिक लाइट भी दिखाऊंगी हाई टेम्परेचर पर जब ये रिएक्शन करवाई जाती है तो ध्यान दीजिएगा जो भी कार्बन आइटम जिनके बीच में डबल बॉन्ड है ना उनको एज ए एक ग्रुप कंसिडर करो उसके साथ जो भी कार्बन लगा हुआ है ना उसको आप कहोगे अल्फा कार्बन छोटी छोटी चीजें ध्यान से समझना ये जो दो तो कार्बन है इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो एज ए ग्रुप हाथ रख लो इसके इसके ऊपर साथ इर्द गिर्द जो भी कार्बन होगा अल्फा कार्बन होगा तो इधर तो कोई कार्बन नहीं है इधर है तो ये अल्फा कार्बन है अब अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन स्टूडेंट जुड़े होते हैं ना उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं क्या कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं तो ध्यान से समझो क्या होने वाला है इधर हम इस अल्फा हाइड्रोजन को खोल करके लिख दे एक बार इसको खोल करके लिख रही हूँ एच सी एच टू सी एच डबल वी एच टू बस मैंने सी एच थ्री को ओपन अप करके लिख दिया इतना ही मैंने यहाँ पर किया है अब यहाँ पर ना बहुत अच्छी चीज होने वाली है क्या होता है यहाँ पर आप यहाँ पर भी ना सी एल टू के एडिशन कराते हो देखो सी एल टू बी आर टू ये सब लेके आते हो आप कहोगे मैम हम वो तो सी सी एल फोर की प्रेजेंस में भी तो कराते थे डीसीएल की प्रेजेंस में भी तो ये सब चलता था हाँ जी चलता था वहां पर भी लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट केस है यहाँ हम एलाइलिक ऑप्टेन करेंगे कैसे ऑप्टेन करेंगे देखो बहुत अच्छी चीज है जो आपको यहाँ समझना होगा यहाँ पर देखिए फ्रॉम एलाइलिक मत लिखिए एलाइलिक कंपाउंड लिखिए एलाइलिक कंपाउंड क्यों, क्यों कहा मैंने क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐसा कार्बन होना चाहिए जो की एसपी थ्री हाइब्रेडाइज हो ये हमारे एस पी टू के साथ जब एस पी थ्री हाइब्रेडाइज हो तो वो हमारा एलाइलिक होता है ना तो यहाँ पर अब क्या होगा जब आप सी एल टू के साथ करवाओगे ना तो ये सी एल इस एस पी थ्री वाले कार्बन को यानी कि अल्फा हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर लेगा अल्फा हाइड्रोजन की जगह ले लेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा सीएल सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ये हमारा एज अ प्रोडक्ट हमें यहाँ से ऑप्टेन हो जाएगा मैं दोबारा बताती हूँ बहुत सिंपल सी चीज है बस अल्फा हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके उसकी जगह ले लेगा सेट बाकी की सारी कहानी वही रहेगी बस आपको अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना आना चाहिए तो डबल वन वाले पे हाथ रखो उसके साथ जो भी इर्द गिर्द कार्बन होगा उसको आपने क्या बोलना अल्फा कार्बन और उससे जो भी हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे अब इसी के अंदर एक और रिएक्शन जो हम देखते हैं उसमें क्या है देखो अगर आपको ऐसे ही रिएक्शन दे दें यही सेम रिएक्शन और वो ऊपर यहाँ लिख दे एन इसका मतलब क्या है आपने ब्रोमीन जोड़ना है एन का स्ट्रक्चर बता देती हूँ किस तरह से है यह है सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ नाइट्रोजन ठीक है और यहाँ नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है बी और फिर ये फर्दर ऐसे है सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू और ये कनेक्टेड तो यहां से इसका मतलब क्या होगा ये जो बी आर है ये रिमूव हो जाएगा और ये इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह ले लेगा तो हमें यहां से CH3 एच थ्री सॉरी हमें यहां से बी आर सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू मिलेगा अब जब बच्चे पढ़ते हैं ना इतनी रिएक्शन कर लेते हैं गलती पता क्या करते हैं वो सोचते हैं डबल बॉन्ड के साथ कुछ होने वाला है यहाँ डबल बॉन्ड का कोई रोल नहीं है डबल बॉन्ड सिर्फ ये बताने में हेल्प करेगा अभी अल्फा कार्बन कौन सा है उसका अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है तो इसको नोट डाउन करेंगे सभी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत डिफरेंट चीज है इसमें किसी ने भी कोई भी गलती नहीं करनी है ठीक है अब स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट केस आता है जिसे कहा जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स जो कि आज का हमारा लास्ट सेगमेंट होने वाला है उस पे प्रोसीड करते हैं तो हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स हेलो एल्केन्स के सभी मेथड हमने बहुत अच्छे से स्टडी करे हैं तो अब हेलो एरीन्स को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन आती है उसे कहा जाता है सैंड मेयर रिएक्शन सैंड में रिएक्शन की एक खास बात यहाँ पर ये है आप इसको आगे भी स्टडी करोगे ट्वेल्थ में ही हम आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे नाइट्रोजन वाला जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें मिलने वाला है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में तो हमें तब भी मिलेगा ठीक है केमिकल रिएक्शन में भी हम इसके बारे में देखेंगे तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं हेलो क्या होता है पहले तो मुझे बताइए जब आपके एरोमेटिक कंपाउंड मतलब ऐसे बेंजीन के ऊपर कोई हेलोजन ग्रुप आ जाए है ना ठीक है तो उसको क्या कहते हैं हम हेलो एरिन कहते हैं अब इसको बनाने के लिए ना हमें डाइजोनियम सॉल्ट की जरूरत होती है पहले समझना डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है पहले समझेंगे डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है देखो डाइजोनियम डाई का मतलब क्या होगा डाई का मतलब होता है टू एजो का मतलब क्या होता है एन मतलब नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन से बॉन्डेड है ठीक है ई एम का मतलब क्या होता है ई e एम का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज होना और सॉल्ट का मतलब है उसके साथ नेगेटिव भी होगा ठीक है तो इसको बना करके देखे कैसे मतलब है देखो अब ध्यान से इस चीज को समझेंगे डाय का मतलब क्या है दो है ना एन टू का मतलब क्या है मतलब डाई एजो मतलब दो नाइट्रोजन है ठीक है एजो मतलब दो नाइट्रोजन है ई एम e का मतलब उस पर कैसा चार्ज है पॉजिटिव मतलब मान लो हमारा कोई एल्काइल ग्रुप है हम यहाँ पर ना हेलो एरिन बनाना है तो हम एरोमेटिक रिंग ही लेंगे क्योंकि हमें एरोमेटिक रिंग के ऊपर हेलोजन चाहिए तभी वो हेलोरिन होगा इसके ऊपर क्या लगा हो एन टू डाइजो उस पर कैसा चार्ज हो पॉजिटिव हो उसके साथ क्या जुड़ा हो कोई नेगेटिव वाला यानी कि ये तो ये हमारा क्या होता है डाइजोनियम सॉल्ट होता है जो कि आपको पता होना चाहिए दिस इज अवर डाइजोनियम सॉल्ट ये हमारा क्या है ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है हमें डाइजोनियम सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है अब एक चीज बता दू ये डाइजोनियम सॉल्ट हम कैसे बना सकते हैं ये डाइजोनियम सॉल्ट हम बना सकते हैं प्राइमरी अमाइन की हेल्प से बना सकते हैं कैसे बनाते हैं इसको आप यहाँ लिख सकते हो इट इज प्रिपेयर फ्रॉम प्राइमरी अमाइन आइए मैं बताती हूँ उससे पहले एक बार इसको फटाफट नोट कर लो पहले इसकी प्रिपरेशन बताती हूँ फिर इससे बताती हूँ हेलोरिन कैसे बनेगा ये सभी ने लिख लिया ओके okay, तो देखो हमने अब बनाना है तो इसके लिए हमें चाहिए एनिलिन किसकी रिक्वायरमेंट होती है एनिलिन एनलिन क्या होता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर एन टू होता है उसे एनिलिन कहते हैं अब हम जब इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ए एन ओ टू और एच सी एल करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में एन ए एन ओ टू की प्रेजेंस में और एच सी एल की प्रेजेंस में देखो आपको अभी इसमें मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली कर सकते हो आगे भी हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे इसलिए डायरेक्ट रिएक्शन से ही बता रही हो तो एन ए एन ओ टू और एच सी एल का जब हम यूज करते हैं तो वहाँ से एच एन ओ टू मिलता है हम डायरेक्टली एच का इस्तेमाल नहीं करते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं जब इनकी रिएक्शन कराते हैं एच एन ओ मिलता है जो कि हमारे एनिलिन यानी कि पेंसिन के ऊपर जब एनएच होता है उससे रिएक्ट करता है इससे हमें क्या मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट इससे हमें क्या मिल रहा है डाइजोनियम सॉल्ट अभी देखा है डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है एन टू के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सी एल के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहां से क्या मिला डाइजोनियम सॉल्ट अब देखना डाइजोनियम सॉल्ट से हम फर्दर कैसे हेलोरिन बनाते हैं अगर आप इसकी रिएक्शन ध्यान से सुनना सी यू सी एल के साथ करवा रहे हो अगर आप इसकी रिएक्शन सी यू सी एल के साथ करवा रहे हो और आपका निकल रहा है, तो देखो क्या होगा? <coughs> सॉरी अगर आप इसकी CuCl सी एल के साथ कराओगे, बहुत सिंपल सी चीज है आपको यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर सी एल मिल जाएगा ठीक है और एन टू साथ में लिबरेट हो जाएगा अगर आप इसकी रिएक्शन सी यू बी आर के साथ करवा रहे हो तो आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर बी आ जाएगा और एन निकल जाएगा लेकिन क्या आप इसके रिएक्शन सी यू आई के साथ करा सकते हो तो, सी यू एफ के साथ करा सकते हो तो, नहीं नहीं तो फिर मैम बेंजीन रिंग के ऊपर आयोडीन कैसे आएगा या बेंजीन रिंग के ऊपर फ्लोरीन कैसे आएगा उसको कैसे ऑप्टेन करोगे इन चीज़ का ध्यान रखना सिर्फ इतनी सिर्फ ये दो रिएक्शंस ही सैंडमियर तक हैं सिर्फ ये दो ही हम सैंडमियर से ऑप्टेन कर सकते हैं बेंजीन पे है या बेंजीन बी आर है हम बेंजीन पर एफ या आई सैंडमियर से ऑप्टेन नहीं कर सकते उनके लिए अलग रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट को ही फर्दर के आई के साथ रिएक्ट करवाते हो और उसको हीट कर देते हो के आई के साथ रिएक्ट करके उसको हीट कर देते हो तो आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर आयोडीन प्रोड्यूस हो जाएगा और एंटूलिबरेट हो जाएगा ठीक है लेकिन दिस इज नॉट द सैंडमियर रिएक्शन दिस इज नॉट द सैंडमियर रिएक्शन ऐसे ही ऐसे ही अगर आप एच बी एफ फोर के साथ रिएक्शन करवाते हो हीट करवाते हो और एच सी एल रिमूव करवाते हो तो आपका बेंजीन रिंग के ऊपर फ्लोरिन ऑप्टेन होगा और एन टू रिलीज होगा बट अगेन दिस इज नॉट अंडम रिएक्शन रिएक्शन so, सिर्फ ये दो ही हमें दे सकता है ये हमें इन इन, इन uh, रिएजेंट्स के साथ ऑप्टेन कर सकते हैं सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरन अब हेलो अर का सिर्फ एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन रह गया है जो कि हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे सो so, आज के लिए स्टूडेंट्स आप सभी के लिए यही सब है अब आपके लिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपने खुद से ट्राई करने हैं एज अ होमवर्क है ठीक है सो so, मैं आपको बता देती तो हूँ आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं <coughs> ओके सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर your होमवर्क इज एक्स एंड वाई इन द reactions आर आपने बताना है यहाँ पर जो हम ये obtain कर रहे हैं पहले मैं आपने एन लिया एन ए एन ओ टू और एच एल के साथ रिएक्ट कराया, X एक्स हुआ जो फर्दर के आई के साथ रिएक्ट करके वाई दे रहा है तो आपने एक्स और वाई बताना है क्या होगा ये आपका एज अ होमवर्क है आज की ही लेक्चर पे बेस्ड है इसको अच्छे से करना है अच्छा जी इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है द रिएक्शन ऑफ सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री विद एच बी आर तो अब आप खुद से दिमाग लगाएंगे एच बी आर मतलब हाइड्रोजन है है तो हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं यहाँ पर हमारे पास इसको रहने दीजिए इस, इस क्वेश्चन को एक बारी हम इसे कर लेंगे ठीक है ओके तो जो क्वेश्चंस मैं अभी कट कर रही हूँ कोई बात नहीं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दे ही दूंगी तो देखिए क्वेश्चन है द फॉलोइंग फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्शन इज एज इस following reaction को क्या कहा जाता है आपके सामने है फोर ऑप्शंस आपने बताना है कौन सा करेक्ट होने वाला है आपने जस्ट ये देखना है भी आप किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो ठीक है किसको रिएक्ट करवा रहे हो तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा अभी हमने आज के ही लेक्चर में इसको कवर अप किया है ठीक है तो ये भी आपका क्या है एज अ होमवर्क है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टू मिथाइल प्रोपीन विद एच बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है अब आप फटाफट से कर सकते हो देखकर ही आंसर बता सकते हो क्योंकि अब आपको अगर अच्छे से समझ आ गया और आपने प्रैक्टिस भी किया अच्छे से तो सभी क्वेश्चन ईजी रहेंगे चलिए अब हेलोजिनेशन ऑफ आपको बताना है इनमें से वो कौन सा प्रोसेस होगा ठीक है तो ये सभी आपके होमवर्क हैं नेक्स्ट इज क्लोरीन रिएक्ट्स विद इथेनॉल इथेनॉल टू गिव अब इज क्लोरी अल्कोहल और अभी मैंने आपको बताया अल्कोहल को हम जब सी एल टू बी आर टू के साथ रिएक्ट कराते हैं क्या मिलने वाला है आपने इधर वो बताना है ठीक है नेक्स्ट इज ऑन हीटिंग डायथाइल इथर विथ कॉन्सेंट्रेटेड एच आई टू मोल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मड ट्राई कीजिएगा जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो हम एज अ होमवर्क एज इन द नेक्स्ट लेक्चर जरूर सॉल्व करेंगे ऑफ 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 द द फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड प्रिपरेशन मिथाइल फ्लोराइड तो मैंने आपको बताया था ना आर एफ ऐसे नहीं ऑप्टेन होता है आर एफ कब ऑप्टेन होता है उसके लिए भी रिएक्शन आज करवाई है नेमिंग रिएक्शन थी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किसके साथ रिएक्ट करवानी थी आज ही नेमिंग रिएक्शन करवाई है तो देखो सभी बहुत सिंपल लगते हैं देखने में लगता है भी कुछ टफ है पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपने क्या करना है सॉल्व क्वेश्चंस हो सकता है, है हेलोएन का वो भी मिला है तो एक बार उसके क्वेश्चन स्किप कर देना टेंशन ना लेना जब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो उसको भी हम साथ ही सोल्व कर लेंगे अब देखिए आपके कईयों के जो डाउट्स uh, थे जो पिछले लेक्चर के थे वो मैंने uh, ऑलमोस्ट सभी के रीड नहीं करे हैं टू बी ट्रू तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो वाले डाउट्स भी लूंगी पिछले लेक्चर के भी ले आऊंगी और इस लेक्चर से रिलेटेड जो डाउट्स होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें कवर अप कर लेंगे ताकि आपकी जो क्वेरीज थी पिछले लेक्चर से रिलेटेड वो भी सॉल्व हो जाए तो आज के लेक्चर के लिए एक अच्छी सी सजेशन यही देना चाहूंगी लेक्चर सुनने के बाद आधे घंटे का आराम से रेस्ट लो अपने लेक्चर जो नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट का रहा है उसको सुनो फिर अपना आधा घंटा जो भी आप रिलैक्स करते हो इट इज़ अप टू यू एक बारी से खोलना सभी को और एक एक रिएक्शन को ये नहीं कह रही एक ही बारी में सब पर डालो नहीं अब आप क्या करना एक एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जैसे मान लो अल्कोहल वाला उठा लिया अल्कोहल वाले के अंदर तीन है ना तो तीनों को एक बार लिख लो फिर आप चले जाओ थोड़ी देर जो आप काम कर रहे हो इधर उधर दूसरा काम कर रहे हो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे पढ़ लो फिर दूसरा मेथड उठाओ जैसे पिंकल स्टील उठा लिया स्वाड्स रिएक्शन उठा ली वो लिख लो फिर इधर उधर दूसरा काम कर लो फिर फिर उठाओ इस तरह से करोगे ना सेगमेंट्स में बाय बाय एक मान लो तीस मिनट के बाद फिर दस मिनट के बाद तो वो अच्छे से आपको याद रहेगा दूसरा अब अगले दिन जब आप क्लास लेने आओगे तो एक बार इनको नोट्स को रिवाइज जरूर करना बार बार लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होगा लिखने से होगा जो भी होगा लेक्चर तब सुनो जब आप भूल जाते हो भी अच्छे कैसे करवाई गई थी ठीक है तो स्टूडेंट्स यहीं पर हम आज का जो है लेक्चर वो फिनिश करते हैं अब लेक्चर को फिनिश करने से पहले आप सभी से बस इतना कहना चाहूंगी भी अपनी गलतियों को एक फूल की तरह समझो जैसे एक फूल को हम कहें भी आ, कुछ समय के बाद मतलब वो मुरझा जाता है ना तो वैसे ही गलतियाँ को भी आप क्या करो अपनी मेहनत से ना उसे उभरने की कोशिश करो देखो क्या होता है हम फूल को पानी देते हैं तो वो खिलकर उठता है ना कितना ब्यूटीफुल लगता है तो ऐसे ही हम अगर हमारे टॉपिक को सब्जेक्ट को पूरी मेहनत से पूरी लगन से करेंगे ना तो हमारा देखना वो निखर के आएगा और वो हमारे रिजल्ट में ऑटोमेटिकली दिखेगा ठीक है तो मुरझाना नहीं है अपनी गलतियों से निराश नहीं होना है से ये सीख लेनी है भी मुझे इनसे बाहर निकलना है उभरना है और समझना है कहां गलती हुई उसे क्लैरिफाई करना है उसे रेक्टिफाई करना है और फिर वापस से क्या करना है पूरी स्ट्रेंथ के साथ वापस आ करके अच्छे से टॉपिक को समझना है है ना तो अब हम हाँ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर ने, नेक्स्ट टॉपिक के साथ और मेरी वॉइस के लिए थोड़ा सा वेरी सॉरी थोड़ी सी कोल्ड है इस वजह से तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे